जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं, तो इसी से संबंधित मैं खबर लेकर आया हूं, जो कि 100% सही और सटीक जानकारी रहती है। जो भी अतिथि शिक्षक बंधु अतिथि शिक्षक का फॉर्म वगैरह नहीं भर पाए उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए वीडियो आप अंत तक देखेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। 25 जून तक बढ़ाई अतिथि शिक्षकों के पंजीयन और सत्यापन की तारीख। तो देखिए, पहले जो तारीख थी 15 जून उसको बढ़ाकर अब 25 जून कर दी है। तो जिन भाई बंधुओं का फॉर्म नहीं भर पाया है तो वो लोग अब 25 जून तक आराम से आप अपना कर दीजिए। जो भी आपकी अगर कोई क्वेरी थी तो उसे आप आराम से कर सकते हैं, बोर्ड ने सीधा स्पष्ट कर दिया। देखिए मैं आपको पढ़ के भी सुना दूँ। अतिथि शिक्षकों के पंजीयन और सत्यापन की तारीख लोक शिक्षण संचालनालय ने 15 जून से बढ़ाकर 25 जून कर दी गई है। दरअसल सरकार ने gfms.mp.government.in पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के पंजीयन सत्यापन के लिए आवेदकों के मोबाइल पर SMS नहीं पहुंच रहे थे, इस कारण पासवर्ड भी जनरेट नहीं हो पा रहा था। इसी को लेकर DB Star से जो बात हुई उसके बाद जो बोर्ड को पता चला अच्छा ये समस्या है, तो उसको फिर से रीसेट करने के लिए आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 25 जून तक है, आराम से आप आ जाइए। देखो जल्दी जाएंगे, बाद में जितना लेट होता है साइट स्लो चलने लगती है, तो आप लोगों को क्या करना, आज जा सकते हो, नहीं तो कल आराम से जाइए और अपना फॉर्म में जो भी दिक्कतें आ रही थी उनको सॉल्व करिए, क्योंकि ये पूरे साल का मैटर है। और जो चाहे नए अतिथि हो या पुराने हो, सभी के लिए ये अब दोबारा से ऑप्शन खुला है, तो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर पुराने अतिथियों को दिक्कत आ रही थी, उनके लिए भी ये सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट। तो आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए और जो भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।